नियम भी है, जितना भगवान हमें देते हैं, अपनी जितनी आय है, जितनी सैलरी है, उसमें से 10% भगवान के लिए जरूर अर्पण करें, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के जीवन को निहाल किया, उनको बहुत धन संपत्ति दी। आगे श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वंशावली बताई है कितनी है, 3,88,00,000 भगवान श्री कृष्ण की वंशावली है। 16,108 रानियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं और 2-2 कन्याएं हुई हैं। तो वैसे गिनती तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी करेंगे तो, टोटल 3,88,00,000 वंशावली भगवान श्री कृष्ण की है। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण की इतनी रानियां होते हुए भी आज भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हैं और मन में राधा रानी को याद कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को याद करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, तभी नारद जी आते हैं। नारद जी पूछते हैं कि प्रभु आज आप उदास क्यों बैठे हो और आज आपको किसकी याद आ रही है? भगवान कहते हैं, नारद जी आज मुझे मेरी राधा रानी की याद आ रही है। नारद जी कहते हैं, इतनी सारी रानियां हैं आपके पास और सुंदर से सुंदर रानियां हैं, लेकिन आप राधा रानी को क्यों याद कर रहे हो? नारद जी को ये अवगत कराने के लिए कि राधा रानी को वो क्यों याद कर रहे हैं, एक उपाय बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी आप एक एक करके सभी रानियों के पास जाओ और सभी रानियों से एक ही बात कहना कि उनके प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक वैद्य ने बताया है यदि कोई स्त्री अपने पैर का अंगूठा काटकर भगवान को दे दे तो उससे उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। नारद जी जाते हैं, एक एक करके सारी रानियों के पास पहुंचते हैं। रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी ये सुनकर बहुत चिंतित होती है कि प्रभु को कोई बीमारी हो गई है, लेकिन जैसे ही अंगूठे वाली बात आती है तो पीछे हट जाती हैं, कहती हैं, नहीं नहीं पैर का अंगूठा हम कैसे काट के दे सकते हैं। नारद जी महाराज इसी प्रकार सभी रानियों के पास जाते हैं, सबसे बताते हैं, सब भगवान से प्रेम तो करती हैं लेकिन उतना नहीं जितना राधा रानी करती हैं। सब रानियों के पास जाकर अब अंत में श्री राधा रानी के पास जाते हैं और राधा रानी के पास जैसे ही जाते हैं कहते हैं, हे राधे भगवान श्री कृष्ण को हमारे प्रभु को एक ऐसी बीमारी हो गई है कि उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठा है और वैद्य ने बताया है कि इनका बचना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक उपाय जरूर है भगवान के बचने का, यदि कोई स्त्री अपने पैर का अंगूठा काट कर दे दे तो उससे प्रभु के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। इतना सुनते ही राधा रानी ने क्षण भर में ही अपने पैर का अंगूठा काटा और नारद जी के हाथ में दे दिया कि जाओ मेरे प्रभु का इलाज करा दो। अब नारद जी महाराज ये समझे हैं कि मेरे प्रभु राधा रानी को इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी भी रानियां हैं सब प्रभु से उनकी ऐश्वर्य को देखकर, भगवान के स्वरूप को देखकर प्रेम करती हैं, लेकिन राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, अलादनी शक्ति है उनकी, तो इसीलिए राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। बोलिए राधा रानी की। आगे श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने एक गिरगिट योनि में पड़े हुए नृग राजा उनको उस योनि से मुक्त कराते हैं और अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। उस भक्त से पूछते हैं, तुम इस योनि में कैसे आए? तब वो अपनी सारा वृतांत बताते हैं भगवान को। भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं। भस्म हो जाए, बाबा भोलेनाथ वचनबद्ध थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। लेकिन तब उस वृकासुर ने मन में विचार किया। पहले नाम उनका वृकासुर था, अब जब भस्मासुर का, अब उनका नाम भस्मासुर पड़ गया है, बाबा भोलेनाथ से वरदान ले लिया है दूसरों को भस्म करने का। अब वृकासुर ये सोचते हैं कि कहीं इस भोलेनाथ ने वरदान झूठा तो नहीं दिया है। अब सबसे पहले भोलेनाथ के ऊपर ही उस वरदान को देखना चाहते हैं कि वरदान झूठा है या सच्चा। भस्मासुर बाबा भोलेनाथ के पीछे भागते हैं, बाबा भोलेनाथ आगे आगे भागते हैं। अब आज बाबा भोलेनाथ के प्राण संकट में पड़ गए हैं। बाबा भोलेनाथ भागते जा रहे हैं, भस्मासुर बाबा भोलेनाथ के पीछे है। भागते भागते वैकुंठ धाम आ गया। बाबा भोलेनाथ वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए और जब विष्णु भगवान ने ये देखा कि आज तो मेरे प्रभु बड़े संकट में पड़ गए हैं, तब भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं, महात्मा का वेश धारण करते हैं और भस्मासुर के पास जाकर कहते हैं कि भस्मासुर, बड़ी सुमधुर वाणी में बोलते हैं प्रभु, कहते हैं भस्मासुर आप कहां भागे जा रहे हो? क्या आपको किसी से मिलना है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? भस्मासुर कहता है कि मुझे बाबा भोलेनाथ ने वरदान दिया है कि मैं जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं साधु के भेष में भस्मासुर से, अरे तुम बाबा भोलेनाथ की बातों में मत आओ, तुम्हें मालूम नहीं है कि प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप दिया है कि उनका वरदान झूठा होगा। चाहो तो तुम अपने आप करके देख लो। भस्मासुर विचार करते हैं अपने मन में कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि बाबा भोलेनाथ ने झूठा वरदान दिया है। अब भस्मासुर को भगवान कहते हैं, ठीक है आप अपने सर पर हाथ रख के देख लो, यदि तपन हो तो समझ जाना कि सच्चा वरदान है, ना हो तो अपना सर पे हाथ रख देना, समझना झूठा वरदान है। भस्मासुर भगवान के कहने पर अपने सिर पर हाथ रखते हैं, इतना ऊपर रखते हैं, पूछते हैं भगवान से, भगवान पूछते हैं भस्मासुर से कि तपन हो रही है? वो कहते हैं नहीं हो रही, ठीक है थोड़ा और नीचे कर लो। वो थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अब तपन हो रही है? नहीं हो रही, तो ठीक है और नीचे कर लो। वो थोड़ा और नीचे सिर पर हाथ रख लेते हैं, फिर पूछते हैं कि अब तपन हो रही है कि नहीं हो रही, तो ठीक है अब सर पर हाथ रख ही दो। अब जैसे ही वो सर पर हाथ रखते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय हो। बाबा भोलेनाथ के प्राण जो संकट में आ गए थे, भगवान विष्णु ने आज बाबा भोलेनाथ की रक्षा की है। आज आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं आगे की कथा का। सभी ऋषियां आपस में विचार करते हैं कि तीनों देवों में बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप तीनों देवों के पास जाओ और भ्रमण करके बताओ कि तीनों का स्वभाव कैसा है, तब हम विचार करेंगे कि तीनों में सबसे बड़ा देव कौन है। भृगु ऋषि जी एक एक करके सर्वप्रथम जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं आज उनके पुत्र उनके पास आए हैं, ना तो वो अपने पिता को प्रणाम करते हैं ना ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है कि अरे तुम मेरे पुत्र हो, तुमने अपने पिता की स्तुति नहीं की है, प्रणाम नहीं किया है। ब्रह्मा जी के क्रोध को देखकर भृगु ऋषि जी आगे बढ़ते हैं।
बाबा भोलेनाथ के पास जाते हैं। बाबा भोलेनाथ के पास जाकर बाबा भोलेनाथ दूर से ही देखकर भृगु ऋषि जी को अपनी बाहें फैला देते हैं कि आज ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी आ रहे हैं, आज मैं इनका आलिंगन करूंगा, इनको हृदय से लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही बाबा भोलेनाथ अपनी बाहों को फैलाते हैं, भृगु जी महाराज उनका आलिंगन नहीं करते हैं और प्रणाम करके वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ को क्रोध आता है, बाबा भोलेनाथ क्रोध करते हैं, कहते हैं कि तुमने, मैं तो इतने प्रेम से तुम्हारा आलिंगन करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे आलिंगन नहीं किया। अब बाबा भोलेनाथ का क्रोध भी देख लिया भृगु ऋषि ने। अब अंतिम में भगवान विष्णु के पास जाते हैं, वैकुंठ धाम। भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान है, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तभी भृगु ऋषि जी आते हैं और आते के साथ ही भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पदघात करते हैं, जोर से पदघात करते हैं और भगवान विष्णु वैसे ही खड़े होते हैं और भृगु ऋषि जी के चरण पकड़ कर कहते हैं कि भृगु बेटा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई, आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं आई है। ऐसा स्वभाव देखकर एक तो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पदघात किया और फिर भगवान कहते हैं क्रोध करने की वजह कि आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं आई। भगवान विष्णु का ऐसा स्वभाव देखकर भृगु जी सब ऋषियों को जाकर बताते हैं, भैया बाबा भोलेनाथ ने भी क्रोध किया, ब्रह्मा जी ने भी क्रोध किया लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया, तो सब में बड़ा कौन? भगवान विष्णु। तो सभी ऋषियों का यही निर्णय होता है कि भगवान विष्णु सबसे सरल स्वभाव, कभी क्रोध नहीं करने वाले और अपने भक्तों पर कृपा करने वाले। हालांकि भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीनों देवों में कोई भेद नहीं है, जो व्यक्ति भेद समझेगा उसके ऊपर किसी की भी कृपा नहीं होगी। ये बाबा भोलेनाथ भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हम तीनों भाइयों में कोई भेद नहीं है, तीनों एक समान हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं, बताते हैं आगे पिंडारक क्षेत्र में। एक बार पिंडारक क्षेत्र में सभी ऋषि मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, भगवान नाम की चर्चा करते हैं। नारद जी विराजमान, अगस्त्य मुनि बैठे हैं, दुर्वासा ऋषि जी भी वहां विराजमान हैं। तभी वहां पर पिंडारक क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जाम्बती के पुत्र सांब आते हैं खेलते हुए और जब देखते हैं कि आज थोड़ा सा इन ऋषियों के साथ उपहास कर लिया जाए, मजाक कर लिया जाए, तभी जाम्बती के पुत्र सांब को स्त्री का भेष बनाते हैं, साड़ी पहना देते हैं और उसके पेट से कपड़ा लपेट देते हैं, कपड़ा लपेट देते हैं और जाकर कहते हैं ऋषियों से कि महात्माओं, ये स्त्री गर्भवती है और ये आपसे ये जानना चाहती है कि इसके पुत्र होगा या कन्या। ऋषि मुनि तो ज्ञानी होते हैं, वो समझ गए थे कि ये राजकुमार उदंडी हैं, ये हमारे साथ मजाक करने आए हैं, उपहास करने आए हैं, तो इसीलिए ऋषियों को क्रोध आता है और वो जाम्बती पुत्र सांब को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे ना तो पुत्र होगा ना कोई पुत्री होगी, बल्कि तुम्हारे तो एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा, मूसलम कुलम नाशनम, जिससे तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। सारे राजकुमार घबरा जाते हैं, राजा उग्रसेन के पास आते हैं, अग्रसेन के पास आकर बताते हैं सारा वृतांत कि हमें ऋषियों ने शाप दिया है। जैसे ही सांब के पेट से कपड़ा हटाते हैं तो एक लोहे का मूसल निकलता है। राजा अग्रसेन ये देखकर घबरा जाते हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ इस मूसल को सागर की रेती में जाकर घिस दो। सागर के पास जाकर रेती में उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, वहां घिस देते हैं, जिससे ऐराक नाम की घास उत्पन्न हो जाती है, जिस घास से यदुवंशियों का अंत होता है।
एक नुकीली कील रह जाती है, उसे वो सागर में डाल देते हैं और उस कील को एक मछली निगल जाती है, वो मछुआरा पकड़ कर ले जाता है। आगे सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं। बड़े ध्यान से सुन रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब सोच रहे हो भजन का वायक कथा ही कथा चल रही है बहुत देर से, पहले आज कथा श्रवण कर लो, थोड़ी सी कथा और है, फिर होली उत्सव में भजन ही भजन होंगे। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वां स्कंध प्रारंभ होता है। 11वें स्कंध में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, बताते हैं कि भगवान का भजन करने से व्यक्ति को सारी आसक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। संसार में जितनी आसक्तियां हैं, सब आसक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान का भजन एक ऐसा है, नाम एक ऐसी चीज है जो नाम जप करने से सारे पापों का क्षय हो जाता है। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। बड़ा सुंदर उपदेश भागवत धर्म बताया है, सूर्य की गति का वर्णन किया है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर उपदेश देकर अपनी लीला के बारे में बताया है कि अब मैं अपनी 125 वर्ष की लीला को विश्राम देने वाला हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन किया है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, पृथ्वी से, अग्नि से, वायु से, जल से, आकाश से, गौ माता से, कन्या से, सर्प से। देखा जाए तो हर जीव जंतु से, चाहे पृथ्वी हो, आकाश हो, हर चीज से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। धरती माता से हमें शिक्षा प्राप्त क्या होती है, धरती माता के ऊपर मनुष्य रहकर कितने अधर्म करता है, कितने पाप करता है, लेकिन क्या ये धरती माता कभी अपना दुख किसी को बताती है? नहीं। इतनी सहनशीलता ये धरती माता, पृथ्वी माता, इतना तो शायद मनुष्य कभी हो ही नहीं सकता। इस धरती पर रहते हुए मनुष्य अनेकों अधर्म करते हैं, अनेकों पाप करते हैं। शिक्षा लेनी है तो धरती माता से लो, शिक्षा लेनी है तो एक कन्या से लो। दत्तात्रेय भगवान ने कन्या से शिक्षा ली है, उसे गुरु बनाया है। उसे गुरु कैसे बनाया, कन्या कैसे गुरु बनी? कन्या का जीवन ही बड़ा अद्भुत होता है। हर दुख सुख का सामना एक कन्या ही करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कष्ट नारी जाति को ही सहन करने पड़ते हैं, सब महिलाओं को ही सहन करने पड़ते हैं। क्या इतना कष्ट कोई पुरुष सहन कर सकता है? हंसने वाली बात नहीं है। तो महिलाओं की, स्त्रियों की, माताओं की, बहनों की कद्र करनी चाहिए। जिस घर में माता बहनों की कोई इज्जत नहीं है, वो घर नरक के समान है। जिस घर में माता पिता की कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं रखते, उनको कोई सम्मान नहीं देते, वो घर एक नरक के समान है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा दुख ही पाता है। पांडवों ने क्या किया था, कौरवों ने क्या किया था? कौरवों ने एक नारी जाति का अपमान किया। और ये महाभारत क्यों हुआ था? द्रौपदी के अपमान के कारण। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब जब नारी जाति का अपमान होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार जरूर लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जो व्यक्ति माता बहनों का अपमान करता है, उसे दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए सुन लेना भाई बंधुओं से जो कह रही है, ध्यान देना, क्योंकि माँ के बिना भी जीवन अधूरा है, पत्नी के बिना भी जीवन अधूरा है,
और एक बहन के बिना भी जीवन अधूरा है। धर्म की तो चाहे आप कितनी बना लो, लेकिन जो अपनी होती है वो अपनी होती है। वैसे माना जाए तो सब अपने हैं, ना मानो तो कोई अपना नहीं है। और हमारे गुरुदेव ने हमें सबसे पहला संकल्प यही दिलाया है, जो आजकल नारी जाति के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। कई स्थानों पर हम देखते हैं, कई शहरों में, जब एक पिता धन से थोड़े गरीब होते हैं, उनकी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं होता, मांगे करते हैं बड़ी बड़ी कि हमें तो यदि तुम्हें अपनी बेटी हमारे घर में देनी है तो दहेज में गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, और नहीं है किसी की हैसियत तो कहां से दे। कहते हैं हमने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया है, खूब पैसा लगाया है इसकी पढ़ाई में, तो क्या सारा पैसा वसूल करने का जिम्मा ससुराल वालों ने लिया है, बेटी वालों ने लिया है? कहते हैं अगर बेटी देनी है तो इतना दहेज दो, अगर नहीं करना भी हाँ तो मत करो। और जहां पर आप सब भाई बंधुओं से, माताओं से मेरी प्रार्थना है, जहां पर आपकी बेटी को दहेज में तोला जाए, वहां पर अपनी बेटी उस घर में कभी मत देना, क्योंकि जिस घर में मांग होती है उस घर में अपनी कन्या कभी नहीं देनी चाहिए, जीवन भर दुख उठाती हैं, क्योंकि जो शुरुआत में मांगता है अंतिम समय तक मांगता ही रहता है। शुरुआत में दे दोगे आगे भी देते रहोगे, कब तक उनकी मांगों को पूरा करोगे? तो एक कन्या बचपन से लेकर घर में होती है, अपने मायके में होती है तो कष्ट सहती है, ससुराल में होती है तो कष्ट सहती है, कितनी धैर्यवान होती हैं माताएं बहनें। अब ये मत समझना कि मैं एक कन्या हूं इसलिए मैं माता बहनों की तारीफ कर रही हूं। दत्तात्रेय भगवान ने एक कन्या से शिक्षा ली है। अगर विश्वास नहीं है तो भागवत महापुराण को उठाइए, पढ़ो उसे खोलकर। आप सब भी भगवान के भक्त हैं, मैं आपका किसी का विरोध नहीं करती, पर हाँ अपने आप को इस लायक बनाओ कि कभी अपने मुख से कभी माता बहनों को गाली ना दें, क्योंकि अधिकतर ये पुरुषों की एक आदत हो जाती है बोलने की, और जो अपने मुख से इतने गंदे शब्द बोलता है, यकीन मानना उसे जीवन में दुख ही दुख मिलेंगे। जो एक कन्या को, माता को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को जो गलत शब्द बोलते हैं, गंदी वाणी बोलते हैं, क्षमा करना। जब ऐसी कोई बात आती है तो उसे रुका नहीं जाता, क्योंकि कई लोग हैं मेरी नजर में जो इस तरह का स्वभाव रखते हैं। फिर भैया सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, ऐसा अधर्म ना करें। ये सबसे बड़ा अधर्म बताया है जो अपने मुख से अपने माता बहनों की कद्र नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका मान सम्मान नहीं करते, अपनी पत्नी को गाली देते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते, बल्कि पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है। और आप सब माता बहनों से भी प्रार्थना है, आप घर की लक्ष्मी बने, कुलक्ष्मी ना बने, क्योंकि घर घर की लक्ष्मी बनोगे तो घर आपके हाथों में है। आप चाहो तो घर को सुधार लो, आप चाहो तो बच्चों को अपना अच्छे संस्कार दे पाओ, ये सब आपके हाथों में है। आप चाहो तो आप भी गलत कर्म करो, बच्चे भी वही सीखेंगे, बाद में पछताना पड़ेगा, यदि हमने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए होते तो आज वो हमारा नाम रोशन कर रहे होते।